नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वेस्ट इंडीज टेस्ट चैंपियनशिप जो कि स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग हैं ना, यूट्यूबर हो या फिर बहुत सारे जो खेलते हैं ना ड्रीम इलेवन फैंटेसी वगैरह जो भी खेलते हैं, तो वो सारे लोग अभी आईपीएल में व्यस्त रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वेस्ट इंडीज टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे और इसमें हम लोग कंफर्म विन करने वाले हैं। लेकिन पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। कल जैसे मैंने काउंटी का पूरा, जैसे काउंटी टेस्ट भी चलता है ना, जैसे हम लोग में इंडिया में रणजी चलता है डोमेस्टिक में अगर टेस्ट होता है, तो अगर उसी तरह अगर इंग्लैंड में चलता है तो उसको काउंटी बोलते हैं। काउंटी का जो मैचेस हम लोगों ने कवर किया था कल, उसका स्क्रीनशॉट पूरा मैंने डाल रखा है टेलीग्राम पे, अपने जाकर के देख लेना अगर विश्वास नहीं है तो। ठीक है, तो जाओ जाकर के देख लेना। अभी के लिए हम लोग इस मैच के ऊपर फोकस करते हैं, किसको ट्राई करना है किसको ट्राई नहीं करना है सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं बताता हूँ, यूएसए कनाडा का भी एक मुकाबला चल रहा है वो भी हम लोग फॉलो करेंगे, और दूसरा आईपीएल का भी मुकाबला जो चल रहा है उसको भी हम लोग फॉलो करने वाले हैं इसके साथ साथ। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं, कहानी समझते हैं कि किसके किसके बीच में पहले मुकाबला है, पिच किस अकॉर्डिंग जाने वाला है और कौन कौन सा बंदा आपके लिए टीम में बेस्ट रहने वाला है उसको जो आप ट्राई करके जा सकते हो। तो चलो बात करते हैं भैया। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को ही मुकाबला होने वाला है जो कि शायद कल ही होने वाला है, 7:30 बजे आपको शाम को होता हुआ दिखेगा। लीवार्ड आइलैंड्स और बारबाडोस प्राइड के बीच में यह मुकाबला होने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं, 23वां मुकाबला ये होने वाला है भाई। ड्रीम इलेवन पे इनका एक भी मैच है अभी तक दिखाया नहीं जा रहा था, लेकिन इस बार इनको ऐड कर दिया गया है इस सीरीज में। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं किस ग्राउंड पे होने वाला है। विवियन रिचर्ड्स जो कि वेस्ट इंडीज के बहुत दिग्गज खिलाड़ी में से एक आते थे, उन्हीं के नाम पे यह स्टेडियम रख दिया गया है। एंटीगुआ और वेस्ट इंडीज में यह मुकाबला होने वाला है। पिच जो है वो थोड़ा सा पेसर को ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखती है, हालांकि स्पिनर भी मदद में आ जाता है यहाँ पे। वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर है, कोई बारिश की संभावना आपको इस मैच में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे हर वीडियो में गिव अवे रहता है, तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ा गलती तो आप यहीं पे कर रहे हो भाई। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किए रहना है, वीडियो को लाइक किए रहना है, कमेंट में आपको हैशटैग ये लिख देना है भैया LEE vs BAR। अगर आपका जवाब सही हो जाता है तो आपको आराम से 200 मिल जाएंगे। तो भैया क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन ये रहने वाला है ना कि सबसे ज्यादा रन इस मैच में कौन बनाने वाले हैं उनका नाम लिखे, सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेने वाले हैं इस मैच में उनका नाम लिखे। अगर आपका जवाब सही हो जाता है तो आपको आराम से 200 भी मिल जाएंगे बिना ड्रीम इलेवन खेले, बिना कुछ किए, सिर्फ वीडियो देख करके। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं क्या कहानी रहने वाला है। दोनों के जीतने के चांसेस 50-50% रहने वाले हैं। अब ऐसा क्यों रहने वाला है अभी बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टेलीग्राम से अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए ना, तो सबसे पहला गलती तो आप यहीं पे कर रहे हो भाई। इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, डायरेक्टली जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। बिकॉज इस मैच का फाइनल टीम टॉस अपडेट सारा कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा भाई। और ये मैच जो है ना वो जैकपॉट मुकाबला है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, जीतने का कंफर्म चॉइस रहने वाला है इस मैच में। तो लीवार्ड आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक ये 5 मुकाबला टीम खेल करके आ चुकी है, पहला मुकाबला हार गई है और कंटिन्यूअसली ये फिर जितने भी मुकाबला खेली है ना, लास्ट का 4 मुकाबला, तो उसमें चारों का चारों मुकाबला जीत करके आ रही है। अब किसको ट्राई करना है अभी मैं आपको समझाता हूँ। प्लेइंग 11 आप इनका देख लो, इसी अकॉर्डिंग ये भैया आपको दिख जाएंगे मोटे ताजे एकदम गर्दा वाले। ठीक है, तो यही आपको कैप्टन इस टीम के रकीम कॉर्नवाल इनका नाम है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्लेइंग 11 का किस तरह से रहने वाला है, मिकाएल लुईस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे किरण पोवेल के साथ, फिर आते हैं केसी कार्टी, फिर जस्टिन ग्रिप्स, फिर जेवेल एंड्रयू, फिर हमार हैमिल्टन आते हैं, फिर जेरेमा लुईस आते हैं, रकीम कॉर्नवाल आते हैं, कॉयर आर्चिबाल्ड आते हैं, फिर डैनियल डोरम आते हैं, ओसन थॉमस आते हैं। ठीक है, हो सकता है ओसन थॉमस के जगह पे कोई और बंदा खेलता हुआ दिख जाएगा। अभी मैं आपको जब आगे डिस्कस करूंगा ना तो मैं बता दूंगा कि इनके प्लेस पे कौन सा बंदा खेलता हुआ दिख सकता है, लेकिन चांसेस तो यही है कि 10 प्लेयर यही खेलते हुए दिखेंगे। कैप्टन इस टीम के आपको रकीम कॉर्नवाल और विकेट कीपर दो दो आपको भरे पड़े हैं। किसको ट्राई करना है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखो, स्टैट्स पूरा दिखाने से कोई बेटर चॉइसेस आपके लिए रहने वाला नहीं है, जो भी बंदा रिसेंट परफॉर्मेंस दिया है ना, जो भी परफॉर्मेंस करके आ रहा है उसी के हिसाब से फिर हम लोग ट्राई करके चलेंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं मिकाएल लुईस जो कि लेग ब्रेक गुगली बॉलिंग भी करते हैं और राइट हैंड बैट्समैन भी है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो फर्स्ट जो मैचेस खेला था उसमें फर्स्ट इनिंग्स में 9 रन और दूसरे इनिंग्स में 55 रन बनाया था। दूसरा जो मुकाबला खेला उसमें 113 बनाया, 130 बनाया। तो भैया यहाँ पे तो परफॉर्मेंस कर रहा है, दोनों इनिंग्स में शतक मारना बहुत कठिन का बात है भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर तीसरे मैच में 32 और 4 रन, फिर चौथे मैच में फ्लॉप 4 और 13 और पांचवें मैच में भी बंदा फ्लॉप ही था कुल मिलाकर के। तो अगर देखो अगर 57 रन बना गया है, सिर्फ अगर हम लोग बात करें ना तो 2 मैच फ्लॉप हुआ है, 2 मैच में अच्छा स्कोर किया है, मतलब ठीक ठाक स्कोर कर जाता है तो जगह बनेगा तो हम लोग ट्राई करके चल सकते हैं इनको अपनी टीम में, नहीं जगह बनेगा तो शायद ही हम लोग ड्रॉप करके भी चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं किरण पोवाल का। कुछ मैचेस से खेल रहा है, फर्स्ट मुकाबले में 65 और 2 रन बनाया, सेकंड मुकाबले में 114 9 बनाया और थर्ड मुकाबले में 41 और 0 रन बनाया। तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है
टॉस आने दो, टॉस आने के बाद अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर ये मेरे टीम में कंफर्म रहेंगे, बिकॉज दो बार बैटिंग करने के इनके चांसेस भी आ जाएंगे और अच्छा खासा ये आपको बंदा परफॉर्मेंस करता हुआ भी दिखेगा, तो ये हम लोग अपने टीम में लेकर के चले जाएंगे। आगे बात करते हैं किसी काटी, ये बंदा कुछ खास आपको परफॉर्मेंस करके नहीं देगा। 13-34 बनाया है, 11-53 बनाया है, 6-61 बनाया है और 53 और 4 रन बनाया है। राइट हैंड बैट्समैन है, ज्यादा कुछ खास आपके करता हुआ नहीं दिखेगा, हालांकि सिलेक्शन इनका ड्रिबलिंग पे हाई है, मेरे टीम में नहीं रहने वाला है। आगे बात करते हैं जस्टिन ग्रिप्स, ये बंदा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि कैप्टन भी आप इनको बना सकते हो। 61 रन 1 विकेट, 29 रन 0 विकेट, ये फर्स्ट मैच का है। सेकंड मैच में अगर देखोगे तो 94 रन और 62 रन भी बंदा बनाया। सिलेक्शन में इनका बहुत ज्यादा कम है, लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मेरे टीम में 100% रहेगा, बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी रहेगा। तो मैं आपको जो भी बताऊंगा सारा को डिटेल्स आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, इनको अपनी टीम में जरूर रखना। ये सारा का सारा जो मैं बता रहा हूँ ना, स्मॉली की टीम डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रैंडलिंग में किसको ट्राई करना है वो भी मैं बताता चलूंगा। जैसे ग्रैंडलिंग में आप केसी काटी को ट्राई कर सकते हो, मिकाले लुइस को ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। जेवेल एंड्रयू 0-17 फर्स्ट मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में 87 और 48 बनाया है, उसके अलावा भी 5-16 और फिर 32 बनाया, तो कुछ खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है, इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। हैमिल्टन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहमार हैमिल्टन 22 और 70 बनाया है, 77-12 बनाया है, 0-29 बनाया है, 21 और 28 बनाया है और 12 और 21 बनाया है। तो कुल मिलाकर के परफॉर्मेंस उतना कुछ खास आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, अगर ये विकेट कीपिंग भी करता है साथ साथ, ठीक है, तो फिर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कैचेज और स्टंपिंग वगैरह मिलाकर के आपको अच्छा खासा पॉइंट दे देगा। लेकिन अगर इस टीम के विकेट कीपर के रूप में नहीं खेलेगा, जेवेल एंड्रयू खेलेंगे, तो फिर शायद ही मैं इनको अपनी टीम में रखूं, शायद मेरे टीम में नहीं रहेंगे, लेकिन ग्राइंडिंग में इनको जरूर ट्राई करना भाई, बहुत अच्छा खासा प्लेयर आपके लिए साबित होता हुआ दिख सकता है। आगे बात करते हैं जेरिमा लुइस, इनको किसी भी हालत में ड्रॉप मत करना, पेसर को यहाँ पर विकेट मिलता है, राइट आर्म मीडियम फास्ट आपके लिए बॉलिंग करता हुआ दिखेगा। रिसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो 8 विकेट 5 और 3 प्लस 45 रन भी बनाया। सेकंड मैच खेला 4 विकेट निकाला, 3 और 1, फिर यहाँ थर्ड मैच खेला 3 और 2 विकेट, फिर यहाँ देखोगे तो 31 रन 3 विकेट, 30 रन 3 विकेट, मतलब परफॉर्मेंस करता है और 3-3 विकेट यहाँ पर भी निकाल रहा है, तो बंदा बहुत तगड़ा वाला है। ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, अपने टीम में लेके जाना। रहीम कॉर्नवाल जो कि मेरे टीम के कैप्टन रहेंगे और बहुत शानदार इनका रिकॉर्ड है, आप इनका देखो 1-1 विकेट, फिर 54 रन 1 विकेट, 6 विकेट, फिर यहाँ 2 रन 2 विकेट और 3 विकेट, फिर 42 रन 4 विकेट, फिर 22 रन 3 विकेट, फिर 3-3 विकेट, तो कुल मिलाकर के 6-6 विकेट तो आपको हर मैच में निकालता हुआ दिख ही जाता है कंफर्म, तो ये मेरे टीम में रहेगा 100%, परफॉर्मेंस भी बहुत लाजवाब है भाई। उसके बाद आते हैं पॉलिन आर्चिवाल्ड, इनका थोड़ा सा 1-1 विकेट अगर आप मिला करके चल सकते हो तो 1-2-3 विकेट आपको निकालता हुआ दिखेगा, उससे ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलता है करीब करीब उतने मैचेस में, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। डैनियल डोरम स्टार्टिंग के मुकाबले में बंदा फ्लॉप चला था, उसके बाद कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, 4 विकेट, फिर यहाँ 2-3 विकेट, फिर 4 रन 0 विकेट, फिर 2 रन 1 विकेट, तो कुल मिलाकर के डैनियल डोरम को आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा प्लेयर भी है और आपको परफॉर्मेंस करता हुआ भी दिखने वाला है, तो इनको आप ट्राई करके चल सकते हो। हुसैन थॉमस अभी तक एक ही मुकाबला खेला है, 0 और 2 विकेट लास्ट वाले मुकाबले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद सारे बेंच के प्लेयर आते हैं, ठीक है। बेंच के प्लेयर में किसको रखना है किसको नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। जेवियर स्पेंसर खेलने के चांसेस इनके बहुत कम है, टेरेंस वार्डे आपको शायद खेलते हुए दिख जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, लेकिन खेलेगा भी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बिकॉज रिसेंट रिकॉर्ड जो भी खेला है ना उसमें कुछ खास स्टैट्स इनका नहीं है, इनको हम लोग अभी के लिए ड्रॉप करके चलेंगे। जोशुआ ग्रांट का देखोगे तो 2 मैच में 0 पे ही आउट हुआ था। करीमा गोरे एक ही मुकाबला खेला है, परफॉर्मेंस नहीं है। कॉफी जेम्स भी कुछ खास आपके लिए देखने को नहीं मिलेगा। हेडन वाल्स अगर खेलेगा भी तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं देखने को आपको मिलेगा, 0-1-2 विकेट आपको निकालता हुआ दिख जाए तो दिख जाए। सीनो बेरिडीज कुछ खास नहीं बनने वाले, तो अगर आपको चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देखो भैया, आईपीएल हो, टेस्ट हो, वनडे इंटरनेशनल हो, अभी साउथ अफ्रीका ओमन श्रीलंका ओमन का भी 5:30 बजे शाम को स्टार्ट होने वाला है, वो भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाकर के देख लेना, तो सारा कुछ मैं डिटेल्स आपको बताता रहता हूँ। तो भैया तो चैनल सब्सक्राइब किए रहोगे तब तो नोटिफिकेशन मिलेगा ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब जो सामने वाली टीम है बर्बाडोस प्राइड की टीम, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी टीम जो है 5 मुकाबला खेल के आ चुकी है, पहला मुकाबला जीती, फिर हारी, फिर जीती, फिर हारी, फिर जीती और शायद इस बार फिर हारेगी, तो ऐसा इनका कॉम्बिनेशन चलता हुआ आ रहा है। अब चलो डिस्कस करते हैं कि क्या कहानी रहा है क्या नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखोगे इनका प्लेइंग 11, तो प्लेइंग 11 इस तरह से दिखेगा, क्रेग बेनफोर्ड जो कि इस टीम के कैप्टन है, फिर आएंगे जचारी एमसी कैस्की, फिर एमएन रेफर, जोनाथन ड्रेस, केविन विकहैम, रॉसन प्राइमर, सेंट डोरिच, फिर कंबर बैच, चैम होल्डर, जेरम सिलेस्टर और फिर जोमेल वेरिकल, ये सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब चलो इनके प्लेयर के एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बात करते हैं, किसको ट्राई करना चाहते हो किसको नहीं। देखो क्रेग बेनफोर्ड बहुत बड़े नाम है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा खासा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि लास्ट के कुछ मैचेस से बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ देखो फ्लॉप है, यहाँ देखो फ्लॉप है, यहाँ देखो फ्लॉप है, यहाँ पे सिर्फ 142 रन का स्कोर आया था इनका, उसके अलावा किसी भी मैच में इनका अच्छा खासा स्कोर नहीं आया है, उसका कंटिन्यूअसली देख लो बंदा फ्लॉप ही चल रहा है। तो अगर आप उस बेसिस पे आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ग्राइंडिंग में आप इनको ड्रॉप करना जरूर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना। लेकिन बंदा ये भी है कि नहीं चल रहा है फॉर्म में,
कभी कदाल 150 मारता है, 200 रन मारता हुआ दिख सकता है, तो ध्यान रखना बंदा इंपॉर्टेंट है। सेफ चलेंगे, इनको लेके चलेंगे सिलेक्शन भी हाई इंटरव्यू पे। जेजारी एमसी गैस्की का अगर आप देखोगे ना रिकॉर्ड, तो 30-28 बनाया है, 5 ने बनाया है, 15-12 बनाया है, कुछ खास इनके स्टार्ट नहीं है, तो इनको हम लोग अभी के लिए ड्रॉप करके चलेंगे। रहमान रिफर का और भी ज्यादा गंदा स्टार्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है। जोनाथन ड्रेक्स के बारे में बात करेंगे तो 72-14 बनाया है, 101-0 बनाया है, 31-9 बनाया है, 12-20 बनाया है, 84 बनाया है, तो कुल मिलाकर के हर मैच में अच्छा खासा स्कोर कर ही जाता है जोनाथन ड्रेक्स। तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, अपने टीम में लेके जाना, सेफ जाना होगा। तो केविन विकहैम आप इनका देखो, 139 रन 0 विकेट, 74 रन 0 विकेट, 8 रन भी है, 29 रन है, फिर यहाँ 63 है, अभी 34 है, तो हर मैच में ये भी बंदा परफॉर्मेंस आपको करके देगा, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, मेरे टीम में तो रहने वाला है भाई। उसके बाद है रोशन प्राइमस, 22 रन 0 विकेट, 43 रन 0 विकेट, 12 रन 1 विकेट, फिर 25, फिर 5 रन 1 विकेट और 0 विकेट, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा। सेंट डोरिच है आप इनका देख लो, 40 41 26 44 18 37 2 41, तो ये भी बंदा देखो विकेट कीपिंग में इनसे बेटर चॉइस आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। एक तो आपको कैचेस से स्टंपिंग से पॉइंट देगा विकेट कीपिंग का पॉइंट, और दूसरा बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है, तो सेंट डोरिच को ही लेकर के जाना अपने टीम में, अच्छा खासा प्लेयर आपके लिए साबित हो सकता है। उसके बाद कम्बर बैच, इनका देखोगे तो 5-5 विकेट निकाल रहा है, हालांकि अगर प्लेइंग 11 में खेलता है तो फिर 100% मेरी टीम में रहेगा, लेकिन ये शर्त ये है कि इनकी टीम पहले बॉलिंग करे तो फिर मेरी टीम में रहेगी। उसके बाद करते हैं चैम होल्डर, ये बंदा विकेट निकाल लेता है भाई, 5-3-8 विकेट है एक मैच में, तो दूसरे मैच में फिर 2 विकेट है, और तीसरे मैच में 3 विकेट है, तो कुल मिलाकर के विकेट तो निकाल लेता है, इंपॉर्टेंट बनेगा। जय एम सी लिस्टर का अगर आप देखोगे तो 3 विकेट 1 विकेट, अच्छा खासा स्टार्ट है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है कि मैं अपने इनको स्मॉली की टीम में ट्राई करूं, ड्रॉप करके चलना। जोमेल वेरिकन, इनको किसी भी हालत में ड्रॉप करने का रिस्क मत लेना, बहुत तगड़ा वाला बंदा है, 4-3 विकेट 5 विकेट, यहाँ 5 यहाँ 2, 40 रन 3 विकेट 2 विकेट 6 विकेट, हर मैच में इनका रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है और इंपॉर्टेंट भी बनेगा, अपने टीम में लेके जाना। नेक्स्ट आते हैं सारे बेंच के प्लेयर, चेमार होल्डर खेलते हुए आपको दिखेंगे भी तो उतना कुछ खास नहीं बनेगा, अकीम जॉर्डन भी खेलेंगे तो इनका सिलेक्शन हाई है बट कुछ खास नहीं करता हुआ दिखेगा, सैनले मोसले भी कुछ खास नहीं करेंगे, सियान ब्रेथवेट भी कुछ खास नहीं करेंगे, जेसन होल्डर अगर खेल जाता है जो कि चांसेस कम है, काउंटी खेलने गए हुए हैं और काउंटी मैचेस में इनको मैंने रखा भी था, इन्हीं का मैच अभी बीता है भाई, तो चांसेस बहुत कम है इनका खेलने का हालांकि, लेकिन अगर खेल गया तो बैकअप में जरूर ऐड करके इनको रखना, बहुत तगड़ा वाला बंदा है, और बल्कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। केमार रोच अगर खेल जाता है तो देख लेंगे, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हो तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। अब टीम डिस्कस कर लेते हैं किसको किसको आप लेकर के जा सकते हो अपनी टीम में, तो विकेट कीपिंग में देखो जहमार हैमिल्टन है, अगर यही विकेट कीपिंग करते हैं तो फिर मेरे टीम में रहेंगे, नहीं तो मैं सैन डोरिस को तो मैं 100% लेकर के जाने वाला हूं टीम में, तो ये मेरे टीम में रहने वाले हैं। क्रेग ब्रेथवेट के ऊपर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ एक मैच को छोड़कर सारे मैच में बंदा फ्लॉप है, लेकिन बंदा बहुत तगड़ा वाला है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, दिग्गज खिलाड़ी है, इनको हम लोग अपने सेफ लेकर के चलेंगे, सिलेक्शन भी हाई है, मेरे टीम में रहेगा। उसके बाद जोनाथन ड्रेक्स को मैं रखूंगा, किरण पोवाल अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है, 2 बार बैटिंग करने के चांसेस रहेंगे, देख लेंगे कि बारिश सूरज तीसरे दिन या चौथे दिन तो आ तो नहीं ना रहा है, उसके हिसाब से फिर हम इनको ट्राई करेंगे, वरना अभी के लिए तो यहां से कोई मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इनको अपने टीम में ट्राई करूंगा। फिर यहां से आते हैं कॉर्नवाल को रखूंगा, लुइस को रखूंगा, जस्टिन ग्रिप्स को रखूंगा, अगर होल्डर खेल गए तो फिर होल्डर भी मेरे टीम में रहने वाले हैं, बाकी यहां से मुझे और कोई खास नहीं लगा। बॉलिंग से देखोगे तो वेरिकल को रखूंगा, मिकाले लुइस देखो इनको बैटिंग सेक्शन में रहना चाहिए था बट ये बंदा बॉलर में है, तो ये ध्यान रखना, बहुत तगड़ा वाला आपको परफॉर्मेंस करता हुआ दिख सकता है और अच्छा खासा इनका स्टैट्स है भाई, ठीक है, तो जगह बनेगा तो ट्राई कर लेंगे। केमार रोच खेलेंगे तो फिर ट्राई कर सकते हैं हम लोग, डेनियल डोरो मेरे टीम में रहेंगे, बाकी यहाँ से मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, और जो हमारी टीम बन रही है आप टीम देख लो, टीम जो है सैन डोरिस को मैंने रखा है, क्रेग ब्रेथवेट जो राफेल ड्रेक्स को रखा है, रकीम कॉर्नवाल, जेरेमा लुइस और रोशन प्राइमस को मैंने रखा है, चांसेस अगर होल्डर नहीं खेलते हैं तो प्राइमस ही खेलेंगे, अगर होल्डर खेलेंगे तो फिर प्राइमस बाहर जाएंगे। केविन विकहैम, जस्टिन ग्रिप्स और फिर जोमेल वेरिकन, चेम होल्डर और डेनियल डोरम को मैंने रखा है, कैप्टन मैंने हकीम कॉर्नवाल और वाइस कैप्टन मैंने जस्टिन ग्रिप्स को दिया, हो सकता है मैं रिवर्स भी कर दूं, जो कुछ भी चेंजेस करूंगा मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, यूएसए कनाडा का भी मैच है, उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के खत्म होते के साथ तुरंत मिल जाएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया ट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद।